फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक जॉनर है जिसमें कुछ बॉडी बिल्डर्स अपने फिजिक एंड फिटनेस का पोटेंशियल दिखा के फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं एंड ये इंडस्ट्री इंडिया में काफी टाइम से पॉपुलर है बट आज के टाइम में ये सोशल मीडिया पे बिल्कुल ही फ्लिप हो चुकी है। पास्ट में लोग अपने फिजिक पे वर्क करते थे एंड फिटनेस के टिप्स देके सोशल मीडिया हैंडल पे ग्रो होते थे बट आज के टाइम में कंट्रोवर्सीज, फाइट्स, मार पिटाई एंड इन सब की वजह से एक बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है एंड ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग एक दूसरे को कैंसिल करने में लगे हुए हैं। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि एक एक्सटेंट तक जाने के बाद आदमी की मेंटल पीस तक बात आ जाती है एंड ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ऑडियंस को चाहिए कंट्रोवर्सी। जहां भी कंट्रोवर्सी होती है उस कम्युनिटी को इतनी हाइप मिलती है कि अगर नॉर्मली वो कम्युनिटी 5 साल में ग्रो होती तो अब सिर्फ 6 महीने लगेंगे उसको उतनी फेम पाने के लिए। सभी लोगों को जानना है कि इसका क्या ओपिनियन है, उसका क्या ओपिनियन है एंड जिसकी वजह से बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और जो लोगों में डेस्परेटनेस है कंट्रोवर्सीज को स्टडी करने की ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इन कंट्रोवर्सीज का बर्थ हो रहा है। अभी जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है वो है रजत दलाल वर्सेस राजवीर फिटनेस के बीच। रजत और राजवीर दोनों एक ही इंडस्ट्री के क्रिएटर्स हैं और वो है फिटनेस इंडस्ट्री एंड दोनों के पास फिजिक, फिटनेस और पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है एंड दोनों का वर्क एथिक्स भी बहुत अच्छा है। तो गाइस आप लोगों ने इस कंट्रोवर्सी के बारे में यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, नहीं तो नियॉन मैन तो पक्का देखा होगा। तो इस वीडियो में हम इस चीज को कवर नहीं करने वाले हैं कि ये कंट्रोवर्सी कैसे हुई एंड क्यों हुई, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इस कंट्रोवर्सी का आज के यूथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है एंड बेसिकली ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसे मैं दे रहा हूँ टाइम और जगह, गाजियाबाद, नोएडा, कहीं भी आ जा, 15 मिनट का समय दे दियो। फॉलोअर के भिखारी, इसके साथ के बंदे जो मेरे साथ खड़े थे ना, वो बंदे कॉम्प्रोमाइज कराने आए हैं, आके हाथ मिला रहे थे और मिलाते ही पार। सिर्फ ये इसलिए उछल कूद कर रहा है कि राजवीर पे थोड़ा प्रेशर बने, राजवीर को ऐसा लगा इसके साथ बहुत सारे बदमाश है। जितनी ज्यादा अकड़ होती है ना मेल ईगो, उसके परखच्चे उड़ाने में ना उतना ही मजा है। तो ये कंट्रोवर्सी कैसे हुई, क्यों हुई, ये तुम्हें अच्छे से पता है। देखो राजवीर और रजत दोनों ही एक दूसरे के नोन टू ईच अदर है एंड एक टाइम पर ये एक दूसरे को इंस्टा पे फॉलो भी करते थे। तो तुम्हें नहीं लगता कि रजत और राजवीर को ये चीजें ऑनलाइन पब्लिश करने से पहले एक दूसरे से पर्सनली बात करनी चाहिए थी एंड अपने पॉइंट्स रखने चाहिए थे, तो पूरा मैटर वहीं सॉर्ट हो जाता। देखो अब ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि ये ऑनलाइन जो भी चल रहा है इसमें रियलिटी सिर्फ इतनी है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए हो रहा है, क्योंकि जेन्युइनली अगर इन लोगों को ये मैटर सॉर्ट करना होता तो ये एक दूसरे से पहले पर्सनली बात करते। ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से किसी को कुछ समझ नहीं आता। अगर थॉट्स नहीं मिलते तो बात करो, बात नहीं करनी तो इग्नोर करो, ऐसे डायरेक्टली किसी को टारगेट मत करो, सिंपल एज दैट। लेकिन अटेंशन इकोनॉमी है, कैसे भी करके अटेंशन लाओ, ये आजकल के टाइम का बिजनेस मॉडल बन चुका है। तो कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी भी होती है जिनके पीछे कुछ तो वैलिड रीजंस होते हैं, लेकिन ये सिनेरियो आज के टाइम में कैसे भी करके पब्लिसिटी गेन करने का एक गेम बन चुका है एंड यू कैन क्लियरली सी कि अभी रीसेंट टाइम्स में रजत और राजवीर दोनों के ही फॉलोअर्स काफी स्पीड में गेन हुए हैं। अब इस पूरे जॉनर में बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं एंड ये चीज बहुत ही गलत है। अब ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें तुम्हें क्या लगता है, कौन सही है एंड कौन गलत है? दो अलग अलग कम्युनिटीज बन गई है एंड अब ये चीज कहीं ना कहीं रिलीजन पे आ चुकी है। अब ये कंट्रोवर्सी रजत वर्सेस राजवीर नहीं है बल्कि जाट वर्सेस राजपूत बन चुकी है एंड दोनों ही साइड पे एक्सट्रीमिज्म है। अब इस नेगेटिविटी को डॉज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस है जो लिए जा सकते हैं और इस इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूट होने से बचाया जा सकता है। इसका बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट तरीका है और वो है इग्नोरेंस। जहां से भी नेगेटिविटी आ रही है उसे इग्नोर करने की कोशिश करो और इन सब चीजों से ज्यादा अपने काम पर फोकस करो। लेकिन इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जहां तक हो सके ये नेगेटिविटी इग्नोर करनी पड़ेगी, तभी क्रिएटर्स अपने काम पर फोकस कर पाएंगे एंड ये इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। लेकिन इगोइस्टिक लोग हैं यहाँ पर जो पोक करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते एंड फिर कोई ना कोई ट्रिगर होगा एंड कॉन्ट्रोवर्सी होगी। और अब जो सबसे बेस्ट तरीका है इस नेगेटिविटी को डॉज करने का वो है ऑडियंस के पास। ऑडियंस को स्मार्ट होना पड़ेगा, हर सेलिब्रिटी के नेगेटिव्स को जानो और पॉजिटिव्स को अपने लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश करो। तो अभी के लिए कंक्लूजन यही है कि व्यूअर्स को स्मार्ट होना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।